वहां दलितों के प्रति जिस तरह का घिनौना कार्य शासन में प्रशासन की शह पर और वहां के पुलिस अधिकारियों के सामने खुलकर किया गया है, तो उसका जबरदस्त विरोध मैंने संसद में और संसद के बाहर भी काफी पुरजोर तरीके से किया है। और जिसकी वजह से ही फिर पूरे देश में दलित समाज काफी हद तक एकजुट हुआ है और फिर इन्होंने खुलकर वे सामने आकर तथा निडर होकर अपनी बात रखने का साहस भी किया है, जिसकी वजह से अब पूरे देश में बीजेपी का असली दलित विरोधी चेहरा सामने आ गया है। इसके साथ ही दुख इस बात का भी है कि श्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के विरोध में अभी तक भी एक लफ्ज नहीं बोला है। हालांकि मैं गुजरात स्टेट में तो उस घटना स्थल पर जाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी व इनके राष्ट्रीय नेताओं ने एक सोची समझी साजिश के तहत ही खासतौर से उत्तर प्रदेश के दलितों का इस अति दुखद घटना से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने इनकी आस्था व स्वाभिमान की खास प्रतीक के विरुद्ध यहाँ प्रदेश के अपनी पार्टी के एक उपाध्यक्ष दया शंकर सिंह से अति घृणित भाषा का जानबूझकर राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करवाया है, जो इनको अब उल्टा पड़ गया है, जिससे बाहर निकलने के लिए अब बीजेपी व इनके नेताओं ने एक षड्यंत्र के तहत ही बीएसपी व इनके प्रमुख नेताओं की खासकर महिलाओं के प्रति जो उनकी छवि को धूमिल करने की घिनौनी हरकत की है, वह भी किसी से छिपी नहीं है। और ये सब इन्होंने एक सोची समझी राजनीतिक साजिश के तहत ही किया है। और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ बीजेपी व इनके नेताओं के उत्तर प्रदेश में सपा के साथ अपने मधुर रिश्तों के चलते वह उनके सहयोग से बीएसपी के खिलाफ जबरदस्ती गलत कार्य करा के अब इनके द्वारा इस प्रकरण की आड़ में बीएसपी का ध्यान यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से हटाने के लिए भी एक षड्यंत्र के तहत ही किया जा रहा है।